हेलो कंट्रा फैमिली, तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई गेम प्ले वीडियो के अंदर। आए हो कि भाई आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो अभी वाला जो एलिमिनेशन चैम्बर है भाई, लास्ट एलिमिनेशन चैम्बर में मैंने ये चीज़ देखा था, बंदे अंडू बाबा को बड़ा मिस कर रहे थे, मतलब अंडरटेकर सर को। तो भाई इस बार हमने अंडरटेकर सर को लगा ही दिया है 2K15 वाले एलिमिनेशन चैम्बर में। तो भाई करते हैं जल्दी से जल्दी शुरू और बता देते हैं यहाँ पे भाई, हमने अगेन रोमन को लिया है, सीएम पंक को भी लिया, और भाई डैनियल ब्राइन को ओवरऑल 94 था, इसलिए भाई इनको भी ले लिया, और रैंडी ऑर्टन को भी भाई ले लेते हैं, और ब्रे वाइट को भी भाई। ये इनका नाम ब्रे वाइट है, वो लास्ट टाइम की तरह नहीं है, WW13 की तरह इनका नाम हस्की हैरिस था, कुछ ऐसा ही था। तो भाई करते हैं जल्दी से जल्दी शुरू। भाई इस बार मैंने फिनिशर नहीं दिए भाई, लास्ट टाइम आपने देख लिया होगा कि दो दो फिनिशर मैंने दिए हुए थे। तो प्रॉब्लम्स ये होगी कि बंदे वही कर रहे थे, दो दो फिनिशर लगा रहे थे, और एलिमिनेट एलिमिनेशन चैम्बर में 7 मिनट में खत्म हो गया। देख के खुद हैरानी हो रही थी कि एलिमिनेशन चैम्बर है कि क्या है इतना, तो भाई मेरा सिंगल का मैच इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। तो इसलिए भाई जहाँ पे मैंने एक भी फिनिशर नहीं दिया, क्योंकि सेम सिस्टम वही है पहले की तरह, इन्फिनेट फिनिशर इसके अंदर भी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये अगर मैं इनको एक या दो फिनिशर देता तो ये एक या दो फिनिशर में सामने वाला बंदे को एलिमिनेट कर देते। इसलिए भाई डैमेज करो, हमें मज़ा है, अच्छे अच्छे मूव्स देखने को मिले। और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और ब्रे वाइट ने शुरुआत कर दी है, और मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि भाई प्रेडिक्शन अभी दे दो यार, अभी के अभी प्रेडिक्शन दे दो, एंड देख के मत प्रेडिक्शन किया करो। 90% बंदे भाई पहले एंड देख लेते हैं, देखते हैं भाई कौन विनर है, फिर जाके बता देते हैं कि भाई यहाँ पे तो रैंडी ऑर्टन ने विन किया या फिर रोमन ने विन किया। या तो दो बंदों का नाम ले लेते हैं भाई, जैसे समझ लो कि डैनियल ब्राइन ने विन किया, तो डैनियल ब्राइन और रैंडी ऑर्टन मुझे लगता है विन करेंगे, बस ऐसा लिख देते हैं, फिर भाई मज़ा नहीं आता। प्रेडिक्शन दिल से दो भाई, आप लोगों का इनमें से जो भी फेवरेट सुपरस्टार है, अगर आपको लगता है वही विन करेगा तो उसका नाम दे लो। यहाँ पे अंडू बाबा की भाई एंट्री हो चुकी है, तो सर भाई अंडरटेकर सर भाई, ये वही अंडरटेकर है, वही अटायर है सेम, इसमें भाई अंडरटेकर सर की स्ट्रिक टूटी थी, ब्रॉक लेसनर ने तोड़ी थी। चलो यार स्ट्रिक टूटने का नाम हम लेंगे ही नहीं, तो भाई अंडरटेकर फॉर्म में, अंडरटेकर लगाई ज़रा अपने तगड़े तगड़े मूव यहाँ पे। फिनिशर तो आपके पास नहीं है, डबल टीम मूव कर रहे हैं क्या, चल रहे। मैंने सोचा कि रैंडी ऑर्टन से सर, मतलब रैंडी ऑर्टन के साथ मिलके ब्रे वाइट को मारेंगे, ये तो ब्रे वाइट के साथ मिलके रैंडी ऑर्टन को मार रहे थे। अंडू बाबा आप साइड में ही रहो, एक और नया बंदा आने का वेट करो, फिर जाके भाई आप उनसे लड़ना, यहाँ पे ब्रे वाइट और रैंडी ऑर्टन को लड़ने दो। अरे यहाँ पे नहीं रुके टेकर सर, रैंडी ऑर्टन को यहाँ पे DDT लगा दी, वो भी रनिंग वाली, पीछे से ब्रे वाइट भी आ चुके हैं। अरे RKO, अरे आर क्यों अंडरटेकर सर को ही लगाना था क्या पहले में? ओके okay, मैं भूला ही नहीं, कई बार क्या होता है अगर मैं भूल देता ना कि पहले में पिन नहीं होगा तो क्या पता हो जाता है, आपको आपने बहुत बार नोट किया होगा, तो मैं बोलता हूँ कई बार ना वही हो जाता है, वो तो कई बार गलत वाला ही होता है। और वहाँ पर रैंडी ऑर्टन को फिनिशर लग चुका है, तो देखते हैं भाई पिन होगा कि नहीं होगा, पहला फिनिशर है तो इसलिए भाई देखा मैंने बोला पिन होगा कि नहीं होगा, हो गया पिन यार, क्या बोलूं अब मैं। इसलिए जब किसी का फिनिशर लगेगा मैं पिन के बारे में बात ही नहीं करूंगा। यहाँ पे सीएम पंक आए थे 4th नंबर पे, तो एक मेंबर चला गया। सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन लड़ते ना आपस में तो अलग ही मजा आता है इन दोनों को देखने में लड़ते हुए। और यहाँ पे दो मेंबर बचे हैं, एक भाई रोमन रिंग्स है, इस वाले रोमन के पास ना कॉर्नर फिनिशर है, और मुझे लग रहा है ये रनिंग वाला ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ऐसे इनके पास कॉर्नर फिनिशर आ गया था। यही फिनिशर 2K15 से लेके 2K22 तक चला था, सेम भाई यही सीन था, रोमन कॉर्नर पे सेम वही रिएक्ट करते थे, मतलब चेंज नहीं किया था 2K15 से लेके, चेंज हुआ 2K23 के अंदर, ये तो दिखने में सेम ही था। और यहाँ पे सीएम पंक को क्या, सीएम पंक को फिनिशर लगा पहले फिनिशर में एलिमिनेट। यार मैं आप लोगों को ना पक्का लेजेंड डिफिकल्टी दिखाऊंगा कि मैंने लेजेंड डिफिकल्टी की है कि नहीं की है, ये क्या सीन है यार, इससे अच्छा तो यार ये बंदा इजी डिफिकल्टी में खेले। लेजेंड डिफिकल्टी के चलते बंदे एक एक फिनिशर में एलिमिनेट हो जाते हैं भाई, ये क्या सीन है। अब तो मैं पक्का लेजेंड डिफिकल्टी दिखाऊंगा यार, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि क्या यार ये बंदे आते हैं एक फिनिशर लगता है एलिमिनेट हो जाते हैं। सीएम पंक को तो इतनी मार भी नहीं पड़ी थी, या ब्रे वाइट ने उनको कोई फिनिशर सिग्नेचर लगाया था कि नहीं लगाया था पता नहीं मेरे को, पर यहाँ पे एक ही फिनिशर के चलते वो एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे अंडरटेकर सर को मार रहे हैं भाई ये दोनों मिलके, ब्रे वाइट और रोमन रिंग्स भाई दोनों इस टाइम पे हील ही थे, कि दोनों का फैक्शन चल रहा था, एक का शील्ड और एक का वाइट फैमिली। तो भाई डैनियल ब्राइन सबसे लास्ट में आएंगे, भाई डैनियल ब्राइन के विन करने के चांस हो जाएंगे भाई फिर।
ज़्यादा चांस होंगे विन करने के रोमन और डैनियल ब्राइन के। ये आप लोगों ने देख लिया है, जिसको एक भी फिनिशर लगे ना वो भी एलिमिनेट हो रहा है। और यहाँ पे सिग्नेचर लग चुका है टेकर सर, क्या सिग्नेचर के ऊपर पिन करोगे? अरे पिन कर रहे हैं मतलब ये ब्रे वाइट का नंबर भी लगा, पहले नंबर पे आए थे, दिक्कत लग रही मेरे को। ओके यार ये तो सिग्नेचर में ही पिन हो गया, उधर कहीं डैनियल ब्राइन का पिन ना हो जाए भाई। अच्छा वन पे किक आउट कर दिया, बहुत बढ़िया, स्पेयर भी लगा दिया, पहले सिग्नेचर था, इस बार फिनिशर डैनियल ब्राइन, प्लीज किक आउट कर दो। 94 ओवरऑल की तो इज्जत रख लो, चलो ठीक है भाई। तो एक सिग्नेचर और एक फिनिशर के ऊपर, यहाँ पे किक आउट तो कर दिया डैनियल ने, अभी फिनिशर एक और लगने वाला है। रोमन कुछ मत करना, रोमन ने गलती कर दी यार, ये मिज वाला सस्ता फिनिशर लगा दिया। क्या यही फिनिशर कुछ है तो नहीं है क्या रोमन का? अरे 3 हो गया यार, रोमन 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 क्या करे, मतलब रोमन यार 2K को मैं अभी क्या ही बोलूं, ये क्या सीन है पुरानी गेम्स में भाई। हमें तो 2K22 और 2K23 की आदत है, और 2K20 में भी सही था यार। मुझे लगता है जो PS3 के बाद जो जितने भी गेम्स आए ना, यहाँ पे देखो अंडरटेकर सर विन कर गए यार, बहुत बढ़िया। वैसे अंडरटेकर सर ने अच्छा खेला यार, अंडरटेकर सर तीसरे नंबर पे आए थे और विन कर लिया। तो भाई जिसको भी ये मैच कैसा भी लगा भाई कमेंट करके बता सकता है, और लेजेंड डिफिकल्टी भाई मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और तब तक के लिए भाई, अगर कोई न्यू बंदा है जल्दी से जल्दी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वेल नोटिफिकेशन को भाई ऑल पे कर लो, और भाई हम आपको लेजेंड डिफिकल्टी दिखाने के बाद ही गेम प्ले को ऑफ करेंगे। और जल्दी से जल्दी भाई मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, टेकर सर का थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ओके तो विनिंग सीन थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, ज़्यादा नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सच में यार लेजेंड डिफिकल्टी थी, पता नहीं ये क्या हो रहा है, कुछ भी भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो भाई दिखाते हैं, बहुत हो गया। तो फिर से यही कहना है, अगर कोई न्यू बंदा देख रहा है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सभी गेम की भाई आपको लाइव स्ट्रीम देखने को मिलेगी। और अदर कोई गेम अगर आप लोगों को देखनी है तो वो भी आप देख सकते हो। देखो भाई ऑप्शन में जा रहा हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे गेम प्ले में जा रहा हूँ, इन गेम ऑप्शन में जा रहा हूँ, और ये देख लो यार लेजेंड डिफिकल्टी है, फोकस करके देख लो, रुक के देख लो, ये देखो नीचे कर देता हूँ, अभी लेजेंड दिख रहा है। तो लेजेंड डिफिकल्टी होने के बावजूद भी भाई इतना बेकार खेलते हैं यार सुपरस्टार, एक ही फिनिशर में एलिमिनेट। चलो भाई तो इसी के साथ भाई गेम प्ले को एंड करते हैं, हम मिलते हैं आपसे भाई ऐसे एक और इंटरेस्टिंग गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।